नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सब्जेक्ट्स का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे बीटेक के जो थर्ड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में है मतलब, और आईटी और सीएस से बिलोंग करते हैं, तो उनका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसकी कितने यूनिट है। तो इसमें कुल मिला के 5 यूनिट इस चैप्टर में है। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, दूसरी का नाम है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है, तीसरे का है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, चौथा है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट, पाँचवा है कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। 5 यूनिट है। तो मैं आपको इन पाँचों यूनिट से कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इस बार भी उनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से 2 नंबर के भी बनते हैं, 5 नंबर के भी बनते हैं, 10 नंबर के भी बनते हैं, लॉन्ग बनता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब बनता है। ठीक है, तो आप जो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ वो सारा अच्छे से तैयार करके जाना, अपना पढ़ना ही पढ़ना, साथ में इन टॉपिक्स को ऐसा करना कि इन टॉपिक्स से छूटे ना ये टॉपिक, इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते। ठीक है, मैं 5 यूनिट के इकट्ठे क्वेश्चंस मतलब इकट्ठे टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो पहली यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट में एक टॉपिक है ईआर डायग्राम। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है ईआर डायग्राम, इससे हमारे 2 नंबर के भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब लॉन्ग बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट भी बनते हैं। ठीक है, सेकंड है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। इसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो बताना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। अगला है डीडीएल एंड डीएमएल, डीडीएल लैंग्वेज बतानी है आपको, डीएमएल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे बतानी है। चौथा टॉपिक है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, पांचवा टॉपिक है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ छूट के ना जाए, या आप इसको अच्छे से करना। अगला है डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और फाइल सिस्टम क्या होता है, तो या फिर डेटाबेस सिस्टम डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम और फाइल सिस्टम, इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से तैयार करके जाना है, अच्छे से बताना है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो टॉपिक है रिलेशनल एलजेब्रा क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेशन ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, तीसरा है ट्रिगर क्या होता है, चौथा है एसक्यूएल एंड पीएल, एसक्यूएल एंड एसक्यूएल के टाइप्स क्या होते हैं वो आपको आपको बताना है। पांचवा टॉपिक है ज्वाइन एंड इट्स टाइप, ज्वाइन क्या होता है उसके टाइप्स आपको यहाँ पे बताने हैं। छठा है यूनियन कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे बताने हैं। अब बात करें तीसरे यूनिट की, तीसरे यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो पहला ये बनता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होता है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ये 100% इजार एग्जाम में आने की इसमें मतलब उम्मीद जताई जा रही है। सेकंड टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस का, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपको इसको अच्छे से पूरा इसके सब टॉपिक्स इसके अच्छे से करके जाने हैं, ये एग्जाम में आएगा 100% आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, शॉर्ट में भी आएगा ये क्वेश्चन और लॉन्ग में भी ये आएगा ही आएगा। तो नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं NF, ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है वेरियस एनिमलाइज एसोसिएटेड विद IDBMS, ठीक है। अगला जो यूनिट है चौथी में जो यूनिट में पहला बनता है एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दूसरा टॉपिक बनता है ट्रांजेक्शन सिस्टम, इसके स्टेट डायग्राम जो है वो बताना है, तीसरा बनता है डेडलॉक हैंडलिंग क्या होती है, चौथा है लॉग क्या होता है, ठीक है, पांचवा है कॉन्करेंसी कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको भी तैयार करके जाना। लास्ट यूनिट पांचवी यूनिट है 2PL विद एग्जांपल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। अगला है फैंटम फेनोमिनन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए। तीसरा टॉपिक है मल्टीपल ग्रैनुलिटी, ठीक है, चौथा टॉपिक है मल्टीवर्सन स्कीम क्या होता है, पांचवा टॉपिक है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, TBP, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा जो टॉपिक है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आप अच्छे से एक तरफ से कॉपी में उतार लीजिए और इनको बिल्कुल भी ऐसा करें कि इनको छूटे ना, लॉन्ग में भी याद करो, शॉर्ट में भी याद करो, कुछ भी करो, रटो वटो कुछ भी करो, लेकिन ये छूटे ना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, टाटा बाय बाय। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।